नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 3 कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है, 11 मेंबर्स ऑफ आ क्लब फॉर्म फोर कमिटीज ऑफ 3, 4, 2, 2 मेंबर्स, सो डैट नो मेंबर इज अ मेंबर ऑफ मोर देन वन कमेटी, फाइंड द नंबर ऑफ कमेटी। आपको उन्होंने कहा है टोटल 11 मेंबर्स हैं, जो टोटल तादाद होती है बच्चों वो आपके पास एन की वैल्यू होती है। आपको एन की वैल्यू 11 बता दी और कहा हुआ है इन 11 मेंबर्स को आपने फोर कमेटीज में डिवाइड कर दिया है, चार कमेटीज में इसको डिवाइड कर दिया। किस तरह की चार कमेटी में डिवाइड किया है कि पहली की वैल्यू आपके पास 3 है, दूसरी की वैल्यू 4 है, थर्ड की वैल्यू 2 है, फोर्थ की वैल्यू 2 है। इस 11 को इस तरह डिवाइड कर दिया है और आपसे कहा है कि कोई भी इसमें से चीज़ रिपीट नहीं हो रही और आपने अब इसकी नंबर ऑफ टोटल कमेटीज़ बतानी है। जब कभी ऐसी चीज़ आ जाए और नो रिपीटेशन के साथ आ रही हो कि हर एक एक दफ़ा ही आ रहा है, तो आप क्या करते हो, एन की वैल्यू देखते हो क्या दी हुई है, n1, n2, n3, n4 की वैल्यू देखते हो, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसका फॉर्मूला लगा देते हो। अब जैसे कि देखिए, आपको मैंने फॉर्मूला बताया, अगर फोर एलिमेंट हो तो फोर एलिमेंट के रिस्पेक्ट से ये फॉर्मूला बनेगा, ऊपर एन नीचे n1, n2, n3, n4। आपने देखी टोटल आपको स्ट्रेंथ एन की वैल्यू क्या बताई हुई थी, n1, n2, n3, n4 की जो वैल्यू बताई हुई थी वो लिखेंगे, आप फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल नीचे वाली अलग अलग टर्म्स का फैक्टोरियल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इन सारी टर्म्स को कैलकुलेटर पर सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपका आंसर आ जाएगा 69300। अब उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपके पास आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है अ कॉइन इज फ्लिप्ड 10 टाइम्स वेयर ईच फ्लिप कम अप आइदर हेड और टेल, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। अगर आप लोगों को बच्चों याद हो, मैंने आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने कहा था आपके पास कोई भी अगर कॉइन है उसे टॉस किया जाए तो उसके टॉस करने के बाद उसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो उस कॉइन का आंसर हेड आता है या उसका आंसर टेल आता है। और मैंने कहा था अगर आपने नंबर ऑफ पॉसिबल इसकी पॉसिबिलिटीज निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला 2n होता है, जितने टाइम कॉइन आपका फ्लिप हो रहा होता है उतनी एन की वैल्यू पुट करते हो तो आपका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, उन्होंने हमें एन की वैल्यू 10 दी हुई है कि वो आपके पास 10 टाइम फ्लिप होता है। सबसे पहले आपसे कहा आपने उसके पॉसिबल आउटकम निकालने हैं। अगर सिंपल पॉसिबल आउटकम कहे जाएंगे, आप सोल्यूशन में लिखोगे कि आपके पास अगर कोई कॉइन एन टाइम फ्लिप हो रहा हो तो उसका फॉर्मूला 2n होता है। अब यहाँ पे एन की वैल्यू 10 दी हुई है, हमें बताया हुआ 10 टाइम फ्लिप करे, इसलिए जहाँ पे एन आ रहा होगा फॉर्मूले में उसकी जगह आप एन की वैल्यू पुट कर दोगे तो एट द एंड बता दोगे कि इसका आंसर आपके पास 2n आ जाता है, यानी टोटल पॉसिबल आपके पास 2n पॉसिबल आउटकम्स होंगे। ठीक है, ये तो बच्चों सिंपल तब होगा जब सिंपल आपसे उसे पूछा जाए कि उसकी पॉसिबिलिटीज बताएं, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई कंडीशन लगा दी जाए उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे कि सेकंड पार्ट में देखिए, आपसे कहा है आपने बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं किस केस में, अगर वो एग्जैक्टली 3 हेड्स कंटेन करता है, अगर उसके पास एग्जैक्टली 3 हेड आते हैं तब आपने उसकी पॉसिबिलिटीज़ बतानी है। अब देखें, एक कॉइन है वो 10 टाइम फ्लिप हो रहा है, अगर 10 टाइम फ्लिप हो रहा है उसके अंदर अगर देखें 3 हेड आ रहे हैं, इसका मतलब ये उसके अंदर 7 टेल्स आएंगी, क्योंकि एक चीज़ है वो 10 है। अब 10 पूरे आपने करने, पहली चीज़ की तादाद आपको फिक्स बता दी हुई है कि हेड की तादाद आपके पास ये है, अब बाकी आपको टेल की तादाद इसको देख के पता चलेगी कि कितनी बचेगी। अब देखिए, आप 10 में से 3 को निकाल दें, 3 पॉसिबिलिटीज निकल जाएंगी, पीछे 7 पॉसिबिलिटीज बचेंगी, यानी कि अगर एक कॉइन के 3 दफ़ा हेड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा उसके 7 टाइम टेल आ रहे होंगे। एन की वैल्यू 10 है टोटल, पहली वैल्यू n1 3 है, n2 की वैल्यू 7 है, आप ये सारी वैल्यूज लिखोगे, वैल्यूज लिखने के बाद देखें आप लोग फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू पुट करोगे, ऊपर 7 आ जाएगा, n10 आ जाएगा, ये n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू, फॉर्मूला ओपन करोगे फैक्टोरियल्स की फॉर्म में सॉल्व करोगे और एट द एंड आप आंसर बता दोगे। अब इसी तरह बच्चों आपका इसका थर्ड पार्ट हो रहा है। थर्ड पार्ट में आपसे कहा है आपने तब इसकी पॉसिबिलिटीज बतानी है अगर वो सेम नंबर ऑफ हेड रखे और सेम नंबर ऑफ टेल रखे। अब देखिए, आपके पास वो कॉइन 10 टाइम फ्लिप हो रहा है, सेम नंबर ऑफ हेड और सेम नंबर ऑफ टेल्स कब आएंगे, अगर मैं 10 को देखें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, अगर मैं 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आता है, 5। यानी कि इक्वल इसका काम सिर्फ तब होगा अगर 5 टाइम हेड आ रहा है, 5 टाइम टेल आ रहा है, तब भी देखें दोनों की पॉसिबिलिटीज जो हैं वो इक्वल हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इक्वालिटी सिर्फ तब होल्ड कर सकती है अगर 5 टाइम हेड आए, 5 टाइम ही आपके पास टेल्स आए। तो मैंने देखे बता दिए टोटल एन की वैल्यू 10 है, n1 की वैल्यू 5 आ गई, हेड की पॉसिबिलिटीज टेल की पॉसिबिलिटीज भी 5 आ गई, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, फैक्टोरियल्स ओपन किए, फैक्टोरियल ओपन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की, जो टर्म कैंसिल हो रही थी कैंसिल किया और एट द एंड सॉल्व करके बता दिया कि आपका आंसर 252 आता है। अब बच्चों ये 4 क्वेश्चंस जो मैंने आपको समझाए हैं, इसको सुने समझे, अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें।